पार्ट टू में 19 जून 1992 का जो हमारा रेड था अलकरम पे 90 पे, जहाँ से हमने जनकपुर के मैप्स, प्लान और फ्लैग रिकवर किया था और इसी तरह हैंडओवर किया। नाजरीन, इस पूरे जनकपुर का जो इंसिडेंट है इसको 3 वीडियो के अंदर डिवाइड किया गया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का पार्ट 3 लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आप कुछ ऐसे हकायक देखेंगे जिससे आपको साबित होगा कि मिलिट्री ने रेड करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर खामोशी तो अख्तियार कर ली, लेकिन बेसिकली अल्ताफ हुसैन खुद और अल्ताफ हुसैन के जो दोस्त अहबाब यानी कि इंडिया के अहकाम के ऊपर वो खामोश नहीं हुए और इस सब्जेक्ट को उन्होंने ज़िंदा रखा। और इसी पार्ट के अंदर आपको एक ऐसी एविडेंस भी दूंगा जिससे साबित होगा कि जनकपुर का एक एक डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि अल्ताफ हुसैन ने हमेशा इस इशू को जिंदा रखा, इंडिया के गवर्नर तिवारी पाकिस्तान आए, प्राइवेट विजिट पे आए और धमकियां लगा के इंडिया वापस रवाना हो गए कि हम कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान से हमेशा बदला लेंगे, जो भी उनके पास ज़राए होंगे वो अपने इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान से हर सूरत में ऐसा बदला लेंगे कि ये कश्मीर इशू से पीछे हट जाए। इसी में एक छोटी सी मिसाल आपको 5, 6 और 6 फरवरी 1990 की भी दे दूं, जिसमें पूरे पाकिस्तान में यकजहती का दिन मनाया जा रहा था कश्मीरियों के साथ, तो अल्ताफ हुसैन ने स्ट्राइक करवा दी थी जिसमें काफ़ी ब्लडशेड भी हुआ था। इसी तरह जब देखिए 94 के अंदर जब तिवारी साहब आके ये थ्रेट करते हैं तो उसी साल अल्ताफ हुसैन महाजर सूबे की बात करते हैं और डिमांड करते हैं, और ये डिमांड कुछ छोटी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर आज भी मौजूद है। और जैसे आपको मैंने पहले बोला कि इनकी हमेशा से यही टैक्टिक्स है, जुर्म करो हर किस्म का लेकिन मानो नहीं, हमेशा अवाम को धोखा दो, बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है वो अवाम को कभी नहीं बताते, जो भी अवाम को बताया जाता है वो एक धोखा और एक फ्रेब है। तो आपने इन दो स्लाइडों से भी अंदाजा लगाया होगा कि अल्ताफ हुसैन बजाते खुद इस इशू को जिंदा रखना चाहते थे और जिंदा रखना चाहते हैं अभी भी, क्योंकि इनका प्लान है पाकिस्तान को तोड़ना। अब 95 के अंदर अल्ताफ हुसैन की जंग के अंदर आपने स्लाइड देखी कि क्या स्टेटमेंट पब्लिश हुई। अभी उसी साल अमेरिका के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमेरिका के विजिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक गैर मुल्क के अंदर अपने मुल्क का जब प्रेसिडेंट आएगा तो लोग मोहब्बत से पाकिस्तान का झंडा लेकर अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने उस दिन अपने उस ग्रुप को जो इनके लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज, चोरी चुकारी हर किस्म का क्राइम करते थे, अमेरिका चले गए हुए थे, भागे हुए थे, उनको इस्तेमाल किया, जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कफन पोश, उनके ऊपर बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए थे। आप प्लीज़ इस चीज़ की आप खुद हिस्ट्री चेक कीजिए, मुझ पे बिलीव ना कीजिए, आप खुद अपना स्टडी कीजिए, आपको अंदाजा होगा कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के झंडे नहीं पकड़े, एमक्यूएम के झंडे पकड़े और अपने लिबास के ऊपर लिखा हुआ था लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। प्लीज आप सोचिए कौन सी आजादी, किसी ने बांध रखा है या किसी ने जेल में बांध रखा है? आप मुल्क से भाग के अमेरिका में चले गए, अपने क्राइम आपने फेस नहीं किया, आपके मुकदमा जो आपके पाकिस्तान में बने हैं
वो फेस नहीं किए, तो अमेरिका के अंदर जाके आप कह रहे हो लेके रहेंगे आजादी? कौन सी आजादी? प्लीज आप इस चीज पे खुद सोचिए। आप कराची के अंदर रह रहे हैं, किसी ने आपको पाबंदी तो नहीं लगाई? आप जितना मर्जी जाइए, आपका अपना मुल्क है। हाँ, पाबंदी अल्ताफ सेन लगाता है। अल्ताफ सेन आपको इंफॉर्मेशन देता है गलत, ये ना करो वो ना करो, आपके ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये याद रखो, ये मुल्क आपका है, ये आर्मी आपकी है, हम लोग आपके हैं, खुदारा हम गैर नहीं हैं, हम अपने आपके अपने भाई हैं। अगर आप बात महाजर की बात करते हो, देखिए कोई महाजर नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरे भी अब आजाद कश्मीर से वो कुछ छोड़ के आए हैं, वो कुछ कुर्बानियां देके आए। मैं अल्ताफ हुसैन की तरह चीखो पुकार नहीं कर सकता। अल्ताफ हुसैन ने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, अल्ताफ हुसैन की इवन फैमिली ने, कोई अल्लाह माफ करे, कोई जान नहीं गई। लेकिन वो ऐसे ऐसे किस्से कसीदे बना के पेश करता है कि लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यो हो गया वो हो गया, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए ताकि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन ना आ सके और वो जो यंग लोग हैं एपीएमएसओ के लिए उनकी ब्रेन वॉशिंग हो सके। ये उसकी एक अपनी एक टैक्टिक्स है। अब आती बात अल्ताफ हुसैन और तालिबान के अंदर फर्क। हकीकत में अगर देखा जाए तो दोनों एक जैसे ही ट्रैक के ऊपर, यानी एक ही जैसी टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैं तालिबान को अल्ताफ हुसैन की नस्बत कुछ बेहतर कहूँगा, कुछ करदार के अंदर। ना तो वो रेप करते हैं और ना ही वो इस चीज़ पे कि अगर कोई वो क्राइम करते हैं तो उसको वो ना एक्सेप्ट करें। हमेशा तालिबान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वेरस अल्ताफ हुसैन आज तक जितने भी क्राइम हुए, एक भी क्राइम आज तक इन्होंने नहीं माना, और ये सबसे बड़ा झूठ है कराची के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को, इवन दुनिया के अंदर लोगों को पता है कि जितने भी कराची के अंदर क्राइम्स होते हैं, मजोरिटी अल्ताफ हुसैन का उसके अंदर हाथ होता है। इतने लोग मारे गए, रॉबरीज हुई, रेप्स हुए, तो क्या एक भी इंसिडेंट के अंदर अल्ताफ हुसैन इन्वॉल्व नहीं रहा या उसके करिंदे इन्वॉल्व नहीं रहे? खाम खामे उनको सजाएं हुई, अल्ताफ हुसैन को भी खाम खामे सजा हुई। आपने कभी सोचा कि आज तक अल्ताफ हुसैन ने अपनी एक भी गलती मानी हो? कभी नहीं। तालिबान की बात चली, वार अफगानिस्तान में आ रही थी, अल्ताफ हुसैन ने नेटो को ऑफर की कि वो इनको इंटेलिजेंस प्लस अदरवाइज फुल सपोर्ट देंगे, मुहैया करेंगे। कराची और अफगानिस्तान में बहुत डिस्टेंस है, नज़दीक नहीं है, वो कैसे मुमकिन था? लेकिन हकीकत ये थी कि अल्ताफ हुसैन अपना खेल, यानी कि पठानों को मारना, तालिबान की आड़ में जो इन्होंने 86 में भी यही किया था कि पठानों को मारना शुरू किया था, 88 में सिंधियों को, बलूचियों को भी मारना शुरू किया, पंजाबियों को मारना शुरू किया। इनफैक्ट वो पूरा कराची के अंदर होल्ड चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, तो इन लोगों को मारूंगा इसी बहाने पठान भागेंगे तो मेरा कम अज़ कम कंट्रोल आ जाएगा। आप देखिए पठानों को आज भी मारा जा रहा है, एक ठेले वाला, एक चाय के होटल वाला, वो तालिबान नहीं है, वो बेचारे मजदूर लोग हैं, रोजगार के लिए इधर आए हैं। वो पाकिस्तान पूरे में पूरे पाकिस्तानियों को जाने की और कारोबार करने की इजाजत है, और यही तो आज़ादी है। ये चाहते हैं कि बस जहां हम बैठ गए वो हमारी जगह हो गई, ये तो कभी कभी मुमकिन ही नहीं है। कभी कब्जा माफिया की बात शुरू कर देते हैं, ब्रेन वॉश तालिबान भी करते हैं और ब्रेन वॉश अल्ताफ हुसैन भी कर रहे हैं। तालिबान उनको कुरान मजीद के रेफरेंस दे के गलत तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं सुसाइड के लिए, और अल्ताफ हुसैन ने अब रिसेंटली देखिए 11 जून को 24th जो योम तसीस था APMSO का, अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुन लीजिए, एक भी बंदे के बच्चों वाली कोई बात की हो
16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे ये बीएमएस होके सामने बैठे हुए, और अल्ताफ हुसैन ये कह रहे हैं कि वो हम अपने दुश्मनों को सातवें आसमान की सैर करवा देंगे। भाई आपने को रॉकेट बनाया हुआ है तो सातवें आसमान पे भेजने का क्या मतलब है कि जान से मार देंगे। फिर साथ ये कह रहे हैं कि एपीएमएसओ या एमकेएम अभी मच्योर हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उनके साथ कोई लड़ नहीं सकता। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ाई से डरते भी नहीं हैं, मरने से भी डरते नहीं हैं। तो ये क्या मतलब है? ये बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहा है या गलत तरबियत दे रहा है? ये सारे का सारा एक ही खेल है, और इस खेल के पीछे आपको पता है कि इंडिया हर तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहा है, और उसके साथ बड़ी बड़ी ताकतें वो साथ दे रही है, और अल्ताफ हुसैन खुलेआम ऐसे काम किए जा रहा है। उसका काम यही है कि मारो गिराओ जिस तरीके से भी करो, और वो करता जा रहा है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उसकी ख्वाहिश यही है कि किसी न किसी तरीके से सिविल इंतजामिया, रेंजर्स, हर चीज़ फेल हो जाए, आर्मी आए, और जब आर्मी आएगी तो जाहिर कंट्रोल करने के लिए जब रेड्स होंगे, क्रिमिनल अरेस्ट होंगे, कई क्रिमिनल्स कन्फ्रंट करेंगे, किलिंग्स होंगी, तो अल्ताफ हुसैन इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड में बैठे हुए स्टैंड लेंगे कि देखिए हमारे साथ ज्यादती होगी, लिहाजा हमें कम से कम इंटरनेशनल फोर्स की या यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट चाहिए। जब वो फोर्स आ जाएगी तो ये डिमांड करेंगे कि हम हमारा अलग मुल्क कर दिया जाए, और ये इनके प्लान का हिस्सा है। अब देखिए कि जो हुब्बुल वतन होता है वो अपने अदारों को ख़त्म करने के लिए गैर मुल्क को लेटर नहीं लिखते। अल्ताफ हुसैन ने अपने मुल्क की आईएसआई को ख़त्म करने के लिए टोनी ब्लेयर को लेटर लिख रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी कुछ बहुत कुछ किया होगा जो हमें इल्म नहीं है। जैसा आपको मैंने पहले बोला कि इंटेलिजेंस अदारे मुल्क की एक बैकबोन होती है, वो अपनी जातियात के लिए काम नहीं करते, वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। तो क्या कभी किसी ने सीआईए को ख़त्म करने की बात की, MI6 को बात ख़त्म करने की बात की, रा को ख़त्म करने की बात की, मुसाद ख़त्म करने की बात की? क्या कभी अल्ताफ हुसैन ने ये तो लेटर नहीं लिखा कि उस रा को ख़त्म कर दिया जाए जो कि कश्मीर के अंदर लोगों को, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनकी बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं? लेकिन हमेशा अल्ताफ हुसैन को ISI की फिक्र रहती है। और क्यों? क्योंकि वो इंडिया का इंटरेस्ट है। अल्ताफ हुसैन आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या इंडिया के लिए। तो आज की मेरी वीडियो पार्ट टू और जनापुर प्लान का एंड इस स्लाइड पे हुआ। ये स्लाइड आप आवाम के लिए, उन हजरात के लिए जिनको रिसर्च करने का, सच्चाई ढूंढने का शौक हो, जनापुर प्लान, नक्शे, हर चीज़ आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान आर्मी, हर एक के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। इवन मुतहदा के जो सीनियर हजरात हैं उनको भी इस हकीकत का पता है कि जो सच क्या है। ये रेफरेंस केस नंबर आप नोट कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हर चीज़ सबमिट करवाई हुई है, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये उस केस का हिस्सा है जिसमें डॉक्टर फरूख सत्तार ने एक पटिशन दायर की थी। ये उसके जवाब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाए हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। आज मैं आखिरी रिक्वेस्ट अपने आवाम से, स्पेशली कराची के आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इन चीज़ों को सोचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लगाइए, वो पाकिस्तान का पिलर बने, वो ऑफिसर बने, तरक्की करें, मुझे खुशी होगी। लेकिन प्लीज़ ये याद रखिए कि अगर अल्ताफ हुसैन के साथ रहेंगे
तो मुजरम बनेंगे, जेलों में रहेंगे, लेकिन अल्ताफ सेन जेल में नहीं रहेगा। अल्ताफ सेन इंग्लैंड में बैठा रहेगा। मैक्सिमम आपका बेटा शहीद होगा, अल्ताफ सेन एक दिन के लिए अफसोस मनाएगा और उसके बाद उसकी एक तख्ती लगाएगा और उसको हमेशा ये नाम से नहीं, ये कहेगा कि शहीदों की कुर्बानियों ने इस मुत्तहदा को तरक्की दी। बड़े बड़े लोग शहीद हो गए, बड़े बड़े लीडर जो एमक्यूएम को एक्चुअल बनाने वाले वो भी शहीद कर दिए गए, लेकिन ये शैतान, ये दरिंदा आज भी जिंदा है। ये याद रखिए, ये इंसान आपका सगा नहीं है, सगा वही है जो आपको समझाने की बात करे। मेरा इस मिजाज का कोई फायदा नहीं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं, मैं एक आम सा आदमी हूँ, टूटा हुआ आदमी जो कि इसी अल्ताफ सेन का विक्टमाइज हूँ। मैंने कौम के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, अपनी जात के लिए काम नहीं किया, लेकिन इस शख्स ने इन चीज़ों को जातियत लिया और मेरे घर तक इसने हमले किए और मुझे क्या क्या इसने तकलीफें पहुंचाई, ये इसको पता है, खुदा को पता है और मुझे पता है। आज के लिए काफ़ी, खुदा हाफिज़।